चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर बहुमत हासिल किया। हालांकि इस बार गठबंधन की साथी पार्टी भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों का फर्क आया है। जहां भाजपा 74 सीटों के साथ बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वहीं जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई है। इसे लेकर गुरुवार शाम को सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां जब उनसे चुनाव प्रचार के अंतिम समय में दिए गए आखिरी चुनाव वाले बयान के बारे में सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने चालाकी से पलटी मार दी और कहा कि सभी लोगों ने उनकी बात को गलत समझ लिया। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अपने आखिरी चुनाव वाले बयान को स्पष्ट करते हुए कहा, वो आप लोगों ने ठीक नहीं सुना, बात समझ गई ना। हम हर अंतिम चुनाव सभा में ये बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा उसका पीछे का देखिएगा, आगे का देखिएगा, कुल मिलाकर देखिएगा, तब एक पूरी बात है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले पूर्णिया के दमदाहा में रैली की थी, जहां उन्होंने कहा था, जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। जेडीयू प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नीतीश कुमार ने कहा था, आप बताइए वोट दीजिएगा, हम इन्हें जीत का माला समर्पित कर दें। आप सबने आश्वस्त किया, अब परसों तक आप सब लोग वोट करके विजयी बनाएगा। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें लग रही थी कि ये उनका आखिरी चुनाव है। हालांकि एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश के सुर फिर पलटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाली लोजपा और उसके मुखिया चिराग पासवान पर इशारों में हमले किए। नीतीश ने कहा कि अब ये फैसला एनडीए को करना है कि आगे का कदम क्या होगा। चुनाव नतीजों का विश्लेषण हो रहा है, एक एक सीट देखी जा रही है, एनडीए के चारों घटक दल के लोग एक साथ बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।